हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के संस्थापक आचार्य अभय शरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के महती अनुकंपा से आज का जो विषय है कि वृंदावन में विशेष करके उत्सवों में जैसे कार्तिक उत्सव है, जन्माष्टमी उत्सव है, होली उत्सव है, तो अपारों की संख्या में लोग वहाँ आते हैं। तो उत्सवों में इतनी भीड़ें होती हैं, इतने अधिक संख्या में लोग रोडों पर, गलियों में, मंदिरों में अधिकाधिक संख्या में लोग रहते हैं, उस समय हम कैसे अपने उत्साह को बनाए रखें, भीड़ भाड़ में भी हम कैसे अपने साधना को मंदिरों में दर्शन करते समय भीड़ भाड़ में अपने उत्साह को कैसे बनाए रखें। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि उत्सव जैसे भगवान के धाम में नित्य उत्सव होते हैं, गोलोक धाम में नित्य लीला होता है, उसी तरह वृंदावन भगवान का नित्य लीला भूमि है, वहाँ नित्य ही उत्सव होता है। वृंदावन में विशेष करके मथुरा में जन्मभूमि गोकुल, 84 खंभा, बरसाना श्री जी मंदिर, नंदगांव कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन में रमण रेती में कृष्ण बलराम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, विशेष विशेष मुख्य मुख्य मंदिरों में प्रायः सालों भर भीड़ें रहती हैं। और विशेष उत्सव में जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, रथ यात्रा, श्रावण मेला, कार्तिक मेला, ये सब उत्सव में बहुत भीड़ होती है, लाखों की संख्या में लोग मंदिरों में आते हैं प्रतिदिन। ऐसे भीड़ भाड़ में उत्सवों का दर्शन लेना और सेवा करना, उसमें अपने उत्साह को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उत्सव भक्ति की जननी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है अंग्रेजी में कि फेस्टिवल इज द मदर ऑफ डिवोशन, उत्सव भक्ति की जननी है। जब उत्सव होते हैं जैसे जन्माष्टमी उत्सव है या झूलन उत्सव है, अनेक उत्सव जो आते हैं उसमें मन को आकर्षित करने के लिए, आत्मा को आध्यात्मिक आनंद देने के लिए उसमें अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। उसमें नौ आगंतुक लोग भक्त बन जाते हैं, उत्सव में भाग लेकर के किसी न किसी प्रकार से उनका मन उसके तरफ आ जाता है। तो उत्सव करने का उद्देश्य है कि लोगों को कृष्ण भक्ति में लोगों को आकर्षित करना। जैसे जगन्नाथपुरी का वार्षिकोत्सव होता है रथ यात्रा, जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है पुरी का, वो साल में एक बार उत्सव होता है, उसको जगन्नाथ जी का रथोत्सव वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कई लाखों की संख्या में लोग, 20-25 लाख लोग आते हैं रथ खींचने के लिए। विश्व के देश के अनेक अनेक जगहों से लोग आते हैं, रथ यात्रा खींचते हैं, उत्सव देख करके सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो उत्सव जो श्रीधाम वृंदावन में जो उत्सव होता है, वो अनेक उत्सवों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। जैसे होली के समय में भगवान का लठमार होली, पुष्प होली, रंग अबीर गुलाल की होली, ग्वाल बालों के साथ भगवान किस तरह से होली उत्सव मनाए हैं, विशेष करके होली के उत्सव में नंदगांव और बरसाने की दो टोलियां होती हैं, जिसमें होली के अनेक झांकियां दिखाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय की पारंपरिक जो होलियां हैं, जैसे लठमार होली है, रंग गुलाल की होली है, पुष्प की होली है, इसका प्राचीन जो पद्धति है, जो प्राचीन लीला उत्सव की जो झांकियां हैं, आज भी वृंदावन में यत्र तत्र दिखाई जाती हैं, जिसको देख करके हम उस समय की झांकी का दिग्दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय जो होली का झांकी दर्शन है वो दिखाया जाए, जिससे लोग आकर्षित होते हैं।
और भक्ति की ओर, भगवान की लीलाओं की ओर मुड़ जाते हैं। तो श्रीधाम वृंदावन में ऐसे समारोहों में अधिकाधिक भीड़ होता है, अपार भीड़ होता है। बहुत सारे लोग भीड़ में गिर जाते हैं, कुछ लोग मूर्छित हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। तो भीड़ में हम अपने कैसे संभाल सकें, उसमें अपना उत्सव कैसे, हम उत्साह कैसे भंग न होने दें। उत्साह अपनी बुद्धिमानी और अपनी कर्मठता से, इसमें अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो अनेक लोगों को इस उत्सव के माध्यम से हम भक्ति में ला सकते हैं। पर उत्सव में अनेक यात्राएं जाती हैं, यात्रा के माध्यम से नए नए लोग जाते हैं, और यात्रा में देख करके अनेक लीला स्थलियों का, लीला उत्सवों का दर्शन करके भगवान के नज़दीक लोग जुड़ते हैं, उनका और उत्साह बढ़ता है। तो उत्साह में अधिकाधिक वृद्धि के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, साधुओं के निर्देशन में लीला स्थलियों में निवास करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के मुख्य अंगों में बताया है कि उत्सवों में विशेष करके भक्तों को जाना चाहिए और वहाँ निवास करना चाहिए, और अपने भक्ति उत्साह में नित नवीन नूतन प्रगति करना चाहिए। इसलिए श्रीधाम वृंदावन में जाना चाहिए। तो उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साह ही भक्ति में हमें प्रगति कराता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा उत्साह निश्चया धैर्य, उत्साह और निश्चय, कृष्ण भक्ति करने निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। और अपने आचार्यों के अनुसार, आचार्यों ने जो नियम दिया है, जो भक्ति के जो विविध अंग दिए हैं, उसका कठिनाई से उसका पालन करना चाहिए, और उसके अनुसार आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें भक्ति में उत्साह लाते हुए भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए और भक्ति में दिनानुदिन प्रगति करना चाहिए।